हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में अगर फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीएससी का न्यू डीजीपे लाइट एप्लीकेशन के माध्यम से वॉलेट का कैश आउट कैसे करेंगे, वॉलेट के अमाउंट को मूव टू बैंक कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं फटाफट शुरू। सबसे पहले आपको सीएससी का न्यू डीजीपे लाइट एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा होगा, देखिए मेरे वॉलेट में 34,816 रुपया है। इसे दोस्तों हमें मूव टू बैंक करना होगा, कैश आउट करना होगा। कैश आउट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉर्नर में प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल कर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कैश आउट का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लोडिंग लेगा, तो यहाँ पर आपको प्रतीक्षा करना है, इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको वॉलेट पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, वॉलेट टू वॉलेट और वॉलेट टू बैंक। तो यहाँ पर दोस्तों हमें अकाउंट में लेना है तो वॉलेट टू बैंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे आपको यूएसबी ब्लूटूथ और आयरिस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर दोस्तों हमें फिंगर स्कैनर डिवाइस के माध्यम से फिंगर लगाना, तो यहाँ पर मैं यूएसबी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिंगर स्कैनर डिवाइस को लगा लेना, तो यहाँ पर मैं फिंगर स्कैनर डिवाइस को लगा लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने फिंगर स्कैनर डिवाइस को लगा लिया, उसके बाद कैप्चर पर क्लिक करेंगे। कैप्चर पर क्लिक करते ही फिंगर स्कैनर में लाइट जलेगा, तो आपको फिंगर लगा लेना है। यहाँ पर दोस्तों मेरा फिंगर कैप्चर हो चुका है 58%। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए लोडिंग ले रहा है, तो प्रतीक्षा करना है। देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल कर के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए वॉलेट टू देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको बैंक देखने को मिलेगा। यहाँ नीचे आपका अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा और नीचे ट्रांसफ़र का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देना है। जैसे ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपको अकाउंट नंबर फिल करना होगा। यहाँ पर आपका बैंक सेलेक्ट पहले से रहेगा। यहाँ पर दोस्तों आप बैंक को भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके बैंक को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों दो तरीके से आप मूव टू बैंक कर सकते हैं, कैश आउट कर सकते हैं, IMPS के माध्यम से और NEFT के माध्यम से। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको NEFT करके दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं फटाफट अपना अमाउंट को फिल कर लेता हूँ, उसके बाद NEFT पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। पर दोस्तों मैंने अमाउंट को फिल कर लिया और दोस्तों मेरा पहले से बैंक सेलेक्ट रहेगा, उसके बाद NEFT को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते यहाँ पर देखिए मेरा NEFT हो चुका और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्लीज वेट वाइल योर ट्रांजेक्शन इज प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर दोस्तों NEFT करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग में चला जाता है, तो यहाँ पर टाइम लगता है। यहाँ पर 10 मिनट भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है अगले वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।